तो चेक इन कर लिया हूँ और काफ़ी अच्छा होम स्टे है। तो अभी निकला हूँ मेल रोड घूमने और काफ़ी लंबा जाम है अभी। ठंड बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ठंड है, मेरे को इतना ठंड बर्दाश्त नहीं होता है। जाम है, बहुत लंबा जाम है और देख सकते हो वो काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा है। और ये टॉय ट्रेन, इंजन से धुआं निकल रहा है लोग का, दिन भर काम करके थक गया भाई। तो बहुत ज़्यादा लंबा जाम है, मतलब चार चक्का से आ रहे हो ना तो हालत ख़राब हो जाएगी, इतनी लंबी जाम है। मैं तो बाइक पे हूँ इसलिए मैं निकाल ले रहा हूँ। मतलब यहाँ पे चार चक्का आप अगर रॉन्ग वे से ले गए ना तो पुलिस आपको बहुत अच्छा खासा फाइन लगा देगी, यहाँ सिर्फ वन वे जाती है। सो दिस इज द मेन मार्केट ऑफ दार्जिलिंग और मेल रोड यही आसपास ही है। तो काफ़ी बड़ा बाजार है ये और अच्छा खासा इधर भीड़ है, तो जनरली यहाँ लोग शॉपिंग के लिए आते हैं। सो दिस इज़ वन वे और उधर से गाड़ी नहीं आ रही है, सिर्फ इधर से जा रही है। अगर आपको आना हो तो फिर उधर से घूर के जाना पड़ेगा। यहाँ से आप गाड़ी मॉल रोड के अंदर चला नहीं सकते, फाइन है, और यहाँ से मेरे को ठेल के ले जाना पड़ेगा गाड़ी। तो थोड़ी दूर तक ले जाना पड़ेगी पार्किंग जोन में और पैदल ही चलना है। यहाँ पे बाइक चलाना अलाउ नहीं है, सारे बाइक देखोगे सारे बाइक वाले यहाँ पे पैदल ही आ रहे हैं। अभी कहाँ पार्किंग देगा, कितना दूर। अभी मैं बाइक को ठेल ठेल के लिए आया हूँ बहुत दूर तक और ये एंट्रेंस है मेल रोड का और यहाँ कहीं नो, यहाँ पार्किंग अलाउ नहीं है, पार्किंग कर देने से यहाँ पे फाइन मार देगा। तो ये मेल रोड है। सो इस जगह को मैं वीडियो में देखा करता था और अभी रियलिटी में देख रहा हूँ इसे। चौरस्ता और शायद यहाँ पे पार्किंग अवेलेबल है यहाँ पे। ये नीचे जाके लेफ्ट लेना पड़ेगा। तो मॉल रोड में आपको कभी भी घूरना है तो यहाँ पे पार्किंग, यहाँ बाइक पार्क कर सकते हो आप। यहाँ एक लाइन से बाइक लगी हुई है, देख लो ये गली पे, और यहाँ कोई चार्जेस वगैरह नहीं है और कोई फाइन भी नहीं है। मैं यहाँ पे पार्क कर दूंगा। सो दिस इज मॉल रोड, द फेमस दार्जिलिंग मॉल रोड। और आज आईपीएल का फाइनल है तो ये बिग स्क्रीन लगा हुआ है। सो आज दूसरा दिन है और दूसरा दिन मैं आज दार्जिलिंग पहुंचा हूँ, होटल में चेक इन किया हूँ और अभी निकल गया हूँ मेल रोड घूमने। तो यहाँ का सबसे फेमस मार्केट है मेल रोड और बहुत ज़्यादा भीड़ होती है यहाँ पे, और यहाँ पे बहुत एंटिक सामान मिलती है, काफ़ी एंटिक चीज़ें यहाँ पे, ऊपर बार हबीब मलिक एंड सन। तो काफी यूनिक सा दुकान देखा मैं अभी और देख सकते हो क्या क्या मिलता है यहाँ पे।
बहुत तरह तरह की सामान चाकू ले। अरे ठीक है तो आप ही सो काफी खूबसूरत खूबसूरत एंटीक सामान है यहाँ पे। देख सकते हो यहाँ पे हर चीज की दुकान मिल जाएगी आपको, और जैकेट वगैरह सब, टोपी वगैरह, साल वगैरह सब मिल जाएगी। यहाँ मॉल रोड में ना सिर्फ कपड़ा वपड़े का आइटम नहीं है, बाकी सब कुछ मिलता है, खाना से लेकर सब्जी से लेकर फल से लेकर सब कुछ अवेलेबल है। आज बेकरी एंड कैफे बहुत सारे दुकान है यहाँ पे और काफ़ी भीड़ रहता है यहाँ, ये बहुत फेमस मार्केट है। प्लस यहाँ पे रेट्स वगैरह थोड़ा हाई है और डिपेंड करता है आपका बार्गेनिंग स्किल कैसा है। खाने का भी बहुत कुछ है यहाँ पे, और लड़की लोग का स्पेशल बहुत ज़्यादा यहाँ मिल रहा है सामान, जितने भी देख सकते हो फीमेल के लिए ड्रेसेस वगैरह हैं। तो यहाँ पे खाने पीने का भी मार्केट बहुत अच्छा है, और मोमो में खाऊँगा तो बहुत ही लाजवाब है। हाफ हाफ मैंने खाया, ये क्या है दीदी? हाँ सेफाले, लोकल डिश, चिकन चिकन बर्गर। अच्छा जैसे मोमो रहता है वैसे ही ना क्या? सब फ्राइड होगा वो, सब फ्राइड मिलता है। तो काफ़ी कुछ है यहाँ पे खाने के लिए, एक पूरा स्टॉल का पूरा लाइन ही है देखो। और सबसे फेमस यहाँ पे जो मोमो है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा बिकता है यहाँ पे मोमो। ठीक है तो यहाँ पे ज्यादातर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे लड़की लोग का ज्यादा सामान मिलता है, और उन लोगों का सेल कपड़ा उपड़ा का ज्यादा है यहाँ पे। और यहाँ पे ये पूरा नज़ारा मेल रोड का,